नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉज, ठीक है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, रियो कॉन्फ्रेंस है ना, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंटरनेशनली क्या बात होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ एक्ट्स आए, लेकिन ये सब आए क्यों, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इंडिया को, ठीक है। क्योंकि जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी उसने इतना इंस्पायर किया या फिर फोर्स किया, कंपेल किया कि यार आप लाओ भैया, इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। हमको पता लग सकता है इससे कि वो ऐसा टाइम था कि मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई, 1992 में रियो कॉन्फ्रेंस हुई, मतलब कि 20 साल के अंदर 100 से ज़्यादा MEAs हो चुके हैं, 100 से ज़्यादा MEAs हो चुके हैं। इससे हमको समझ में आ सकता है कि इन्वायरमेंटल को लेके लोग बाग कितने अवेयर, लोग बाग के कंट्रीज कितने अवेयर होना शुरू हो चुकी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, उसमें क्या बोला क्या गया था। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी, उसने 109 रिकमेंडेशंस दिए थे जो कि नॉन लीगली बाइंडिंग थे, लीगली बाइंडिंग नहीं थे वो 109 रिकमेंडेशंस लीगली बाइंडिंग नहीं थे, लेकिन 26 प्रिंसिपल उसने ऐसे दिए जो कि लीगली बाइंडिंग थे। उन 26 प्रिंसिपल्स में से हम लोग इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल 11 जो कि बात करता है इम्प्लिसिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि डेवलपमेंट भी हो और उससे एनवायरमेंट को हार्म भी नहीं हो, भाई ऐसा कुछ आप करो। प्रिंसिपल 21 स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ट्रांस बाउंड्री हार्म। ट्रांस बाउंड्री मतलब कि दो स्टेट्स, दो कंट्रीज के बीच की जो बाउंड्री है वहाँ पर कुछ होता है तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो इस बारे में प्रिंसिपल 21 में बात की गई है। और प्रिंसिपल 22 और 24 बात करता है लायबिलिटी रूल्स की। लायबिलिटी रूल्स मतलब क्या कि सिर्फ प्रोटेक्शन ही आपका काम नहीं है, सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं, प्रोटेक्शन के अलावा भी अगर आपको ट्रांसफ़र भी करना पड़े या डिस्ट्रॉय भी करना पड़े तो आप करो। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कोई भी चीज़, आप सिर्फ प्रोटेक्शन आपका काम नहीं, डिस्ट्रॉय करना या ट्रांसफ़र करना भी आपका काम है। अब जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की तरफ से 109 रिकमेंडेशंस जो आई थी, उसने पूरे जो जितने भी इन्वायरमेंटल इशूज़ थे उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो पहला पार्ट क्या था, अ ग्लोबल इन्वायरमेंट असेसमेंट प्रोग्राम, जिसको अर्थ वॉच भी हम बोल सकते हैं, देखना। Environmental Management Activities, International Measures to Support the National and International Actions on Assessment and Management। अब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इसलिए भी बहुत फेमस है क्योंकि इसी कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम भी बनाया गया था। एक ऐसी बॉडी थी UNEP जिसका मेन काम था आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। ये एक ऐसी बॉडी थी जिसका पहली बॉडी थी एक ऐसी बॉडी थी जो फर्स्ट बॉडी थी जिसका काम था कि आपको सिर्फ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और इसका मेन काम यहाँ पर भी था कि कोई भी एनवायरमेंटल लॉ बन रहा है तो आप उसको बनवाने में मदद करो। अब अगला है हमारा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, जिसको रियो कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है। 1992 में ये हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था ये, जिसमें 176 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इससे हमको पता चल सकता है कि यार एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो चीज़ है वो कितनी जल्दी जल्दी स्प्रेड हो रही है, यहाँ लोगों को लग रहा है कि हाँ ऐसी कोई चीज़ होती है, ठीक है, हम पार्टिसिपेशन से पता लगा सकते हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस में टोटल 5 डॉक्यूमेंट पेश किए गए थे, रियो कॉन्फ्रेंस में टोटल 5 डॉक्यूमेंट पेश किए गए थे ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। पहला है रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये एक नॉन लीगली बाइंडिंग एक डॉक्यूमेंट था जिसमें बताया गया था, जिसमें सजेशंस दिए थे कि यार कैसे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एजेंडा 21 एक प्लान था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। थर्ड, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फोर्थ, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिफ्थ, रियो फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, ये जितने भी फॉरेस्ट थे उनका मैनेजमेंट और उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये डॉक्यूमेंट आया था। अब बात करते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में इंटरनेशनली क्या सोचा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही लेके,
सबसे पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जोहेंसबर्ग में 2002 में हुई थी। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जो रियो की कॉन्फ्रेंस हुई उसके 10 साल बाद ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसका मेन मोटिव यही था कि जो एजेंडा 21 था जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर था उसके जो 10 साल हो गए क्या उसकी रिव्यू करने का कि भाई क्या जो एजेंडा हम 21 लेके आए थे उसका क्या फ़ायदा हुआ क्या नुकसान हुआ कुल मिला के उसका रिव्यू करने के लिए। और दूसरी चीज़ थी कि यहाँ पर इन्होंने ऐसा बता दिया है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इस जो मेन जो बेस है इनका ये तीन चीज़ें हैं। वो तीन चीज़ें कौन कौन सी? सबसे पहली है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा है सोशल डेवलपमेंट और तीसरा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, ये तीन चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जो ये समिट है ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये फेल हो गई थी एक तरीके से। मैं बताऊँ ये जिस जो हमने सोचा था कि यार ये कर देंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये कर देंगे तो वो ये चीज़ कर नहीं पाए। अब अगली जो मेन कॉन्फ्रेंस हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके वो हुई थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको Rio+20 भी बोला जाता है। Rio+20 क्योंकि जो रियो कॉन्फ्रेंस हुई उसके 20 साल बाद हुई है ये और 2012 में हुई है ये, जैसे समझ में आ गया होगा आपको। जो इसने अपना फाइनल डॉक्यूमेंट जो निकाला इसका नाम था डॉक्यूमेंट का द फ्यूचर वी वांट। अब ये जो डॉक्यूमेंट था द फ्यूचर वी वांट इसने हर तरीके के इश्यूज लिए थे जैसे कि इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज, रेजिंग ऑफ बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, इक्विटेबल सोशल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब WSSD ने जो तीन चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बताई थी वो इन्होंने वापस लेके आए। सबसे पहली जो थी हमने बात करी थी, सबसे पहली क्या थी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें वापस लेके आए कि हाँ ये बात तो सही है। अब और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली कि पॉवर्टी को हटाना बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको करना है तो पॉवर्टी को हटाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।